बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों जैसे कि आपने देखा, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में हम चालकता को लेकर लगातार बात कर रहे थे, ठीक है। हमारे ये नया अध्याय लेकर हम आपके साथ हैं। तो बच्चों आज हम चालकता की गणना के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज विधि को मैं लेकर आपके साथ हूं। तो जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज विधि है, इसके द्वारा हम किसी भी चालक पदार्थ की चालकता की गणना किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों बहुत सरलता पूर्वक सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है कि चालकता की सामान्य जो परिभाषा थी वो क्या थी। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपने पढ़ रखा था चालकता की सामान्य जो परिभाषा थी, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो डेफिनेशन है वो कहती है कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उसकी चालकता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज विधि के द्वारा चालकता की क्या करना चाहते हैं, गणना। तो बच्चों जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसके बारे में समझिए कि ये चालकता की गणना रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से ना कर कैसा करती है, आ प्रत्यक्ष रूप से करती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का इस्तेमाल करके हम चालकता की गणना को डायरेक्ट चालकता ना निकालकर हम पहले क्या करेंगे बच्चों, हम उस चालक का पहले प्रतिरोध निकालेंगे और फिर अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम प्रतिरोध का क्या निकाल देंगे, हम निकाल देंगे प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है, प्रतिरोध का अपन निकाल देंगे व्युत्क्रम। और हमने जैसे कि डेफिनेशन में देखा कि प्रतिरोध यानी आर, उसका व्युत्क्रम, ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/r और 1/r मतलब उसकी चालकता, चालक की चालकता। ठीक है, तो इस तरह से ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी और मैंने आपको समझाया कि वास्तव में जो व्हीटस्टोन विधि है ये एक अप्रत्यक्ष विधि है, मतलब ये प्रत्यक्ष विधि नहीं है, ये सीधा चालक की चालकता का निर्धारण नहीं करती, ये प्रतिरोध का निर्धारण करती है। लेकिन फिर भी हम अपने शब्दों में समझते हैं कि किसी चालक की चालकता को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या ये प्रत्यक्ष विधि है, क्या ये अप्रत्यक्ष विधि है। तो आप यहां पर याद रखिएगा ये एक अप्रत्यक्ष विधि है, क्योंकि यह सबसे पहले किसी चालक के प्रतिरोध की गणना करेगी, हम प्रतिरोध की गणना से उसके व्युत्क्रम को प्राप्त करेंगे जो हमको उसकी चालकता प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं जल्दी से व्हीटस्टोन ब्रिज पर। व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, बच्चे इस विधि में सबसे पहले आपको जो उपकरण है उसके संदर्भ में मैं जानकारी दूंगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज जब हमको पढ़ना है तो हम इसका जो अध्ययन है वो तीन भागों में करेंगे। ठीक है, इसका अध्ययन हम तीन भाग में करेंगे। सबसे पहले भाग में मैं आपको बता रहा हूं चित्र, दूसरे भाग में आपको बताऊंगा उपकरण का वर्णन, बच्चों तीसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा प्रयोग विधि।
कि आपको विधि को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये गणना लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं बच्चों, हमारे पास एक आयताकार बोर्ड होता है इस तरह से, जो 1 मीटर की लंबाई से थोड़ा बड़ा होता है। इस तरह से एक आयताकार लकड़ी का बोर्ड होता है, इसमें कुछ चालक प्लेटें लगी होती हैं। देखिए कुछ इस तरह की, दो एल आकार की, एक इस तरह की प्लेट संयोजित होती है। ये एल आकार की प्लेट है, इसी तरह की एक एल आकार की जो प्लेट है वो इसके दूसरे हिस्से पर भी इस तरह से संयोजित होती है। एक तीसरी प्लेट स्केल नुमा सीधी पट्टी के जैसी इसके मध्य में होती है इस तरह से। इन चालक प्लेटों पर बच्चों कुछ संयोजी पेच होते हैं। एक संयोजी पेच यहां पर, एक संयोजी पेच इस तरह से, एक संयोजी पेच इसका इस तरह से, एक संयोजी पेच इस तरह से। इसके अतिरिक्त बीच वाली प्लेट पर 3 संयोजी पेच होते हैं इस तरह से। कुल मिला के जब हम इनको नाम देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी। मैंने क्रम से नाम दे दिया, ठीक है। आप इनको अपने तरीके से अल्फाबेट जो है इनके आगे पीछे करके चेंज कर सकते हैं, उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये जो संयोजी पेच है बच्चों, ये संयोजी पेच अंदर से, इनके अंदर से एक वायर कनेक्ट होता है जो जनरली हमको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको मैं समझा सकूं इसलिए मैं बता रहा हूं कि बिंदुकित वायर, ठीक है, ये इस तरह से इनको जोड़ के रखता है। संयोजी तार जिसमें करंट को फ्लो किया जा सके या जिसमें करंट बहता हो, ऐसा तार इनको जोड़ के रखता है इस तरह से। समझ में आ रही है मेरी बात? इनमें 2 रिक्त स्थान होते हैं। पहला रिक्त स्थान आपको बीसी के पास मिलता है, दूसरा रिक्त स्थान आपको ईएफ के पास मिलता है, और इसमें तीसरा रिक्त स्थान ए से लेकर जी के बीच में भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधा 1 मीटर लंबा तार, ठीक है, जो ए और सी को डायरेक्ट एक लाइन से इस तरह से स्ट्रेट लाइन से आप जोड़कर दिखाएंगे। इस तार की लंबाई 1 मीटर होती है, ठीक, 1 मीटर लंबा तार होता है ये। ये जो तार है बच्चों, ये टंगस्टन का हो सकता है, ये नाइहोम का हो सकता है, ठीक है। ये एक तरह की मिश्र धातु है, टंगस्टन एक प्रकार की धातु है। तो इस तरह की धातु का सामान्यतः ये तार इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। इस 1 मीटर लंबाई के तार के ठीक नीचे की तरफ हमारे पास बच्चों एक मीटर स्केल भी होता है, ठीक है। इस तरह से एक मीटर स्केल होता है जो ये संपूर्ण गणना हमको करने में मदद करता है, सहायक करता है। इस तरह से 1 मीटर लंबा स्केल होता है। जल्दी से मैं केवल स्केल ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। इस तरह से यहां पर आपको मेजरमेंट अच्छे से करना है। समय के अभाव में मैं थोड़ा सा इसको जल्दी में बना रहा हूं, आप लोग इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे। ये 1 मीटर लंबा स्केल होता है। इसके पाठ्यांक आपके 1 से स्टार्ट हो जाएंगे ना, 0 स्टार्ट होगा यहां से, फिर 1, और इस तरह से आप चलेंगे तो ये 100 आपको एंड में मिलेगा, यानी 100 सेंटीमीटर लंबा 1 मीटर का स्केल होगा, ठीक है, जो कि आपकी तार की लंबाई के तुल्य होगा। फाइनली क्या करना है बच्चों, अब आपको बाह परिपथ लेना है, यानी अब आपके पास एक सेल होगा, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, उससे जुड़ी होगी एक कुंजी और उससे जुड़ा होगा एक रियोस्टेट, धारा नियंत्रक बोलेंगे जिसको, आर एच के और बी। इस तरह से हम अपने परिपथ के, बाह परिपथ के पॉजिटिव टर्मिनल को बच्चों व्हीटस्टोन सेतु के उच्च विभव यानी ए से जोड़ देंगे, और जी वाले को दूसरे सिरे से जोड़ देंगे इस तरह। तो ये एक द्वितीय परिपथ तैयार हो जाएगा हमारा, ठीक है। जबकि बी और सी और ई एफ का जो स्थान है वो अभी भी रिक्त है। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो पहला स्थान है बी सी वाला, यहां पर हमारे पास एक ज्ञात
प्रतिरोध बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं आरबी बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी यहां पर इसका जो प्रतिरोध है वो ज्ञात होता है, ठीक है। तो ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स होता है, इसको हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक। फाइनली अब हम उस चालक को लेंगे जिसका कि हमको प्रतिरोध अप्रत्यक्ष रूप से चालकता ज्ञात करने के लिए चाहिए। अब वो चालक जो है वो आपका विद्युत अपघटनी भी हो सकता है, वो आपका धात्विक चालक भी हो सकता है। तो मैं केमिस्ट्री के अनुरूप आपको यहां पर एक सेल लेकर दिखाता हूं। तो हम अब एक जल्दी से सेल का निर्माण करेंगे बच्चों। तो मैं एक विद्युत सेल बना लेता हूं, ठीक है। इस तरह से ये कांच का पात्र है जिसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, उसमें कुछ चालक पट्टियां डाल दी और इसमें विद्युत अपघट्य का कोई विलयन रख देता हूं बच्चों इस तरह से, ठीक। फाइनली क्या करता हूं, उस सेल को रबर के कॉक द्वारा ऊपर से बंद कर देता हूं ताकि ये केमिकल डिस्टर्ब ना हो, बाहर ना आए इस तरह से। संयोजी तार का प्रयोग करना है और संयोजी तार से सेल के एक भाग को ई से और सेल के दूसरे भाग को एफ से जोड़ देना है, ठीक है। हमने दूसरे भाग में सेल जोड़ दिया। फाइनली केवल एक संयोजी पेच डी वाला जो स्थान अभी आप देख रहे हो रिक्त है, उस स्थान पर हमको क्या करना है बच्चों, हमको एक संयोजी तार जोड़ना है, उससे संयोजी तार को संयोजित करना है जिससे कि हम जोड़ेंगे हेडफोन को, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, हेडफोन को। या यहां पर हम गैल्वेनोमीटर भी जोड़ते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि हम गैल्वेनोमीटर जोड़े जो कि हमको करंट के फ्लो की जानकारी देगा कि इस परिपथ में करंट जो है वो कितने परिमाण में बह रहा है या नहीं बह रहा है, ठीक है। या आवश्यकता के अनुसार वो कितना बहेगा और हमको कितने करंट को अलाउ करना है इसकी जानकारी देगा। इसको आगे चलकर संयोजी तार से जोड़कर हम उससे जोड़ेंगे जॉकी, ठीक। ये जॉकी है जी। फाइनली ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपके सामने रखा बच्चों, तो चित्र आपके सामने कंप्लीट हो गया और बातों के साथ मैंने आपको पूरे उपकरण की क्या दे दी, जानकारी दे दी। हम आते हैं अपनी प्रयोग विधि पर बच्चों। करना क्या है, प्रयोग विधि का सबसे पहला बिंदु है हम उपकरण की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी जॉकी को उठाना है, उसको ए पर रखना है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर जो है आपका धारा मापी, उसमें आपको विक्षेप को देखना है। अगर मान लो बच्चों आपका गैल्वेनोमीटर इस तरह से है जिसमें शून्य पर कुछ परिणाम होंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अगर आपका गैल्वेनोमीटर है तो सबसे पहले आप देखेंगे जैसे आप जॉकी के पॉइंट को ए पे रखेंगे, ये जो पॉइंटर होगा आपका ये किसी भी एक पाठ्यांक के लेफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मान लो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, अब आप उसको ए से उठा के जी में रख दीजिए, आप देखेंगे जितने पाठ्यांक पर वो लेफ्ट पर शिफ्ट हुआ था उतने ही पाठ्यांक पर वो अब वो दूसरी तरफ यानी कि राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। जब दोनों तरफ के पाठ्यांक इक्वल होंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जिस प्रबंध की या आपने जो उपकरण डिजाइन किया है, आपने जो उपकरण संयोजित किया है वो पूरी तरह से सुसज्जित है और बिल्कुल आपके प्रयोग के लिए तैयार है, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात, ओके। तो बच्चों प्रयोग विधि का पहला बिंदु आपने समझ लिया। दूसरा बिंदु है अब हम रेजिस्टेंस बॉक्स से एक ज्ञात परिमाण का प्रतिरोध जो प्लग है वो निकालेंगे। मान लीजिए मैंने यहां से R बराबर 25 ओम का प्रतिरोध निकाला, मैं पुनः अपने जॉकी के पॉइंटर को ए पर रखूंगा और वही चीज जो धारा मापी है गैल्वेनोमीटर उसमें विक्षेप के परिणाम को देखूंगा। तो इस बार जो परिणाम की स्थिति होगी वो जीरो से लेफ्ट की तरफ कुछ एक बीच के आंकड़ों पर होगी। मान लो इस बार वो कुछ 90 के आसपास है, ऐसा मान लेते हैं। वो परिणाम कुछ भी हो सकता है, जब आप प्रयोग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा बच्चों। अब आप जॉकी को क्या करेंगे, एक एक डेसिमल है ना, एक एक डेसिमल पॉइंट के हिसाब से आप इस वायर पर उठा उठाकर इस तरह से चलाते जाएं। आपको याद रखना है कि तार पर आपको अपनी जॉकी को रगड़कर नहीं चलाना है, पॉइंट को उठा उठाकर चलाना है। ऐसा करते जाइए, जब आप ऐसा करते जाएंगे तो आप अवलोकन स्वरूप देखेंगे कि आपके धारा मापी में ये जो पॉइंटर है ये 90 से शून्य की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रहा होगा, यानी जो पाठ्यांक है वो 90 से 80, ठीक है, फिर 75, 70, 60, ऐसा शून्य की तरफ अग्रसर हो रहा होगा। हम उसको तब तक लेके चलेंगे जब तक कि हमको एक निश्चित बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में, ठीक है ना, परिणाम कितना प्राप्त ना हो जाए, जी हाँ बिल्कुल, शून्य प्राप्त ना हो जाए। हम उस बिंदु को ढूंढेंगे जिस पर पाठ्यांक क्या प्राप्त हो जाए, शून्य। मान लो
ये वो बिंदु है जिस पर आपको पाठ्यांक शून्य प्राप्त हो गया, यानी जॉकी को जब आपने यहां रखा तो आपको पाठ्यांक शून्य प्राप्त हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात? अब शून्य पाठ्यांक को आप स्केल पर देख लीजिए कि वो कितना पाठ्यांक दे रहा है। मान लीजिए शून्य से लेकर यहां तक का पाठ्यांक आपको 70 प्राप्त हुआ, तो 70 100 में से माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 30। पहले वाले पाठ्यांक को यहां पर, इसको मैंने आर बोला था, ठीक है, इस भाग को मैं बोल देता हूं पी, दूसरे वाले भाग को मैं बोल देता हूं क्यू, और इसको मैं बोल देता हूं एस। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास चार पाठ्यांक मिलेंगे, पी, ठीक है, पी क्यू आर एस। ये चार परिणाम जो आप देख रहे हो ये प्रतिरोध हैं, पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध और ये चौथा प्रतिरोध। तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज विधि के अनुसार, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि के अनुसार जब हमको प्रतिरोध की गणना करनी होती है तो हमको एक सूत्र दिया जाता है, पी बटे क्यू इज इक्वल टू आर बटे एस, ठीक है। और अभी आपने देखा हमने डायग्राम के अनुसार, हमने डायग्राम के अनुसार पी क्यू आर ये चार मान की गणना की। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये हमारे ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स था और ये हमको मीटर स्केल से प्राप्त होने वाले पाठ्यांक थे। ये जो एस है ये हमारे उस सेल का अज्ञात प्रतिरोध है जिसकी हम गणना करना चाहते हैं। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये परिणाम कुछ इस तरह से हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। मैं इससे एस का मान निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा आर इंटू पी अपॉन क्यू अपॉन पी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इस सूत्र में बच्चों, इस सूत्र में जब आप ये सारे बांध रख दोगे तो आपको अज्ञात प्रतिरोध एस प्राप्त हो जाएगा। अज्ञात प्रतिरोध एस का आप क्या कर देंगे? व्युत्क्रम निकाल देंगे और इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? उसकी चालकता। यानी फाइनली हमने अप्रत्यक्ष रूप से पहले चालकता को ज्ञात करने से पहले क्या कर लिया? प्रतिरोध की गणना कर ली। तो बच्चों होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, काफी बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार बुक उठा के इसको पूरा रीड कीजिए, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।